फ्रेंड्स, हाउ आर यू बेटा? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया जो हमारा एलियन है, एलियन है, एलियन है, एलियन है, अपन ने क्या किया था, हमने क्या था कि जो सूफिक्स होता है क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अपन ने क्या किया था कि हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें एलियन भी बनाए थे, उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास थे एल्केन के बनाए थे, लास्ट में जब जैसे क्या था एल्केन के बारे में भी पढ़ा था, लास्ट में जब एल्काइन पढ़ा था तो एक दो बच्चों ने मेरे को क्या है नंबर पे क्या है डीएम आया कि सर जो एल्काइन है एल्काइन क्या है कि हमें समझ में नहीं आया, आप इसे क्या फिर से समझा, तो चलो फिर से क्या करते हैं एल्काइन को समझ लेते हैं कि एक्चुअली कैसे बना है। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जितने भी मेरे पास एल्काइन बनने वाले हैं उनके नाम लिख दिए हैं। हम बात करें एक नंबर पे हमारे पास क्या होता है मैथ, दो नंबर पे क्या होता है एथ, तीन नंबर पे क्या होता है प्रॉप, चार पे क्या होता है ब्यूट, पांच पे क्या होता है पेन, छपी क्या होता है सेवन पे हैट, एट पे ऑप, नाइन पे नॉन, टेन पे क्या होता है डेक। सभी में अपन क्या कर देंगे आइन, तो मैथ प्लस आइन क्या बन जाएगा मेथाइन, एन प्लस आइन एथाइन, प्रो प्लस आइन प्रोपाइन, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, पेन प्लस आइन पेंटाइन, हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, हेप प्लस आइन हेप्टाइन, ऑप प्लस आइन ऑप्टाइन, नॉन प्लस आइन नॉनाइन और डे प्लस आइन डेकाइन। ये हमारे बन गए एक से लेकर 10 नंबर कार्बन तक हमारे पास क्या बन गए एल्काइन्स बन गए। बात करते हैं इनका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होता है, कैसे बनेंगे उसके बारे में अपन सीखेंगे। मैं आपको तो फिर से रिमेम्बर करवा दूं कि हमने जब एल्केन और एल्कीन पढ़ा था तो हमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ लिया था। जब भी हम बात करेंगे एल्केन की, एल्केन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड, बात करें एल्कीन की, एल्कीन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, बात करें एल्काइन की तो एल्काइन का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड, थ्री बॉन्ड्स बनेगा हमारे पास कार्बन। अब वो कितना बनेगा उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं मेथेन के बारे में, मेथेन कितने नंबर पे है, एक नंबर पे, कार्बन कितना हो गया बेटा वन हो गया, वन होने का मतलब जब यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे वन, एन की वैल्यू पुट करेंगे वन, मैं फॉर्मूला यही लिख देता हूँ ऊपर ही CnH2n-2 इस वाले के लिए एनक्यू लिबल हो जाएगी तो वन होने पर हो जाएगा ये सी वन यानी सी वन का मतलब सी हो गया, एच टू इंटू वन टू टू माइनस टू जीरो, हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा कार्बन रहेगा, तो ये प्योर कार्बन का फॉर्म हो गया ये एग्जिस्ट, यानी हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है। बात करते हैं इथेन के बारे में, इथेन का मतलब कार्बन नंबर कितना हो गया दो कार्बन हो गए, पुट करते हैं सी टू एच टू इंटू टू फोर, फोर माइनस टू टू, नंबर तीन की बात करते हैं हो गया सी थ्री, नंबर चार की बात करते हैं सी फोर, नंबर पांच की बात करते हैं सी फाइव, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सिक्स बनेंगे सी सिक्स, सी सेवन, सी एट, सी नाइन, सी टेन। बात करते हैं एच की, हमारे को थ्री पुट करना है इनकी जगह टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स माइनस टू हमारे पास क्या रहेगा, और एक तरीके से देखिएगा यहाँ पे सी वन था और एच कितना आया था जीरो, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चल रहा है हमारे पास, एक हमारे पास एक का टेबल हो गया, यहाँ पे देखिए हम तो यहाँ पे कितने का टेबल बनता है दो का टेबल, दो दूनी चार, तो आगे आ जाएगा सिक्स, फिर कितना जाएगा एट, फिर कितना जाएगा टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, एटीन, जब आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे एन की यहाँ पे तभी तभी भी क्या बनेगा ये वाला फॉर्मूला ही बनेगा, सिक्स बनेगी, इसको सिंपल तरीके से पढ़ लिया है कार्बन के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकर टेन तक, और एच का चलता है हमारे पास टेबल में जीरो टू फोर सिक्स एट नाइन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन, ठीक है ये हमें क्या कर लिया अपने भी फॉर्मूलेज बना लिए हैं। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको अपन ओपन करके कैसे लिखते हैं उसको अपन सीख लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने एग्जांपल लिया ये वाला ब्यूटाइन C4H6, बेटा कार्बन कितने हैं यहां पे चार बनाते हैं एक दो तीन रियन चार, बात कर रहे हैं हम एल्काइन की, एल्काइन का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमें एक जगह क्या लगाना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यहां लगा दो यहां लगा दो यहां लगा दो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा दो एक जगह, मान लो मैंने यहां लगा दिया तो हमारे पास हो गया ये, और बाकी जगह क्या लगा देंगे सिंगल बॉन्ड, सिर्फ एक जगह लगाना है ट्रिपल बॉन्ड और बाकी जगह क्या लगाना है सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं साथ में ये हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, कार्बन की वैलेंसी होती है चार जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन की कितनी होती है
इस वाले की देखते हैं, इस वाले का अर्निंग कितने पॉइंट बनाए बेटा, एक दो तीन बनाए कितना चार, तो तीन प्लस एक चार। इस वाले का देखते हैं वन टू थ्री फोर, इस वाले का कंप्लीट हो गया, कोई हाइड्रोजनेट नहीं करेंगे। बात करें यहाँ पे वन टू टू प्लस टू फोर, इसका देखते हैं वन वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर। फॉर्मूला देख लेते, चेक कर लेते हैं, एक दो तीन चार, चार कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने छह, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, ओके स्कूल बन गया। इस वाले के ऊपर पेंटाइन का लेते हैं अपन, पेंटाइन में पांच कार्बन है, एक दो तीन चार और ये पांच। एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्केन में क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, कितना सिर्फ एक बनाना है, यहाँ लगा दो, यहाँ 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 मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और बाकी जगह क्या लगाने हैं, सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं। कार्बन बनाएगा चार बॉन्ड, ये वाला कार्बन कितना बना रहे, सिर्फ एक, एक प्लस तीन कितना हो गया चार, ये वाला बनाना है दो, तो दो प्लस दो चार, वन टू थ्री फोर, इस वाले का कंप्लीट हो गया, वन टू थ्री फोर इस वाले का भी कंप्लीट हो गया। बात करें इसकी, ये बना रहा है एक, वन प्लस थ्री कितना हो गया, और फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं फिर से इसमें, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन हो गए, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, तो बन गया सी फाइव एच एट। एक एग्जाम्पल इनमें से कोई सा देख लेते हैं, कि मान लो कि हम लेते हैं ऑक्टाइल का सी एट एच फोर्टीन, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आठ कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ। एक एग्जाम्पल क्या लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, और बाकी जो क्या लगा दे, सिंगल बॉन्ड जीरो। एलएन से कंप्लीट करते हैं, ये वाला बना रहा है एक, एक प्लस तीन चार, ये वाला बना रहा है दो, दो प्लस दो चार, ये वाला बना रहा है दो, दो प्लस दो चार, ये वाला बना रहा है दो, दो प्लस दो चार, वन टू थ्री फोर इसका कंप्लीट है, इसका भी वन टू थ्री फोर कंप्लीट है। बात करें इसकी, तो वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, ये वन बना रहा है ओनली, तो वन प्लस थ्री फोर। फिर से उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कार्बन हो गए। बात करें हाइड्रोजन की, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस टू इलेवन, इलेवन प्लस थ्री कितना हो गया 14 का हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हो गए। ये हमने आज पढ़ लिया है एल्केन के बारे में, फिर भी कोई डाउट है क्या तो आप मेरे को बता दें। अब जो हमारा हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा एल्केन, फिर पढ़ा एल्कीन, और पढ़ा हमने एल्केन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एल्केन, एल्कीन और एल्केन के फॉर्मूले बनाने के बाद में इनका हम सीखेंगे आईबीसी नोमेनक्लेचर। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन आईबीसी नोमेनक्लेचर के बारे में क्या करेंगे स्टडी, जो जितने भी रूल्स हमारे पास चार रूल है, पांच रूल है, छह रूल है, उनके बारे में क्या करेंगे, पहले उनको लिखेंगे। मैं आप लोगों के लिए जो हमारे पास आईबीसी नोमेनक्लेचर के रूल्स है, उनके जो हमारे पास पीडीएफ है, वो मैं क्या करूंगा वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, तो उस वीडियो में आप लोग वहां पे देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।